इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां हरिद्वार मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर बालों का एक्सीडेंट हुआ है। वहीं अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ सुरक्षित बताया जा रहा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का हरिद्वार जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। वे कार से कथा करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि उनकी कार दो बार पलटी खा गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में ना ही पंडित जी को चोट आई और ना ही किसी और को। फिलहाल पंडित जी समेत सभी कार सवार सुरक्षित हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की हरिद्वार में शिव महापुराण की कथा चल रही है। दोपहर 1 बजे वे कथा स्थल जा रहे थे, तभी रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार दो बार पलटी खा गई और घटना में पंडित प्रदीप मिश्रा समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद प्रदीप मिश्रा ने कथा स्थल पर पहुंचकर शिव महापुराण की कथा भी शुरू कर दी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने खुद के स्वस्थ और कुशल होने की जानकारी दी। इस हादसे से उनके भक्तजन काफ़ी डर गए थे, लेकिन उनके सकुशल होने की खबर सुन पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी पूरे प्रदेश सहित देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब वे महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह नगर सीहोर में रुद्राक्ष बांट रहे थे, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण शासन और प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित होने के पहले ही रद्द कर दिया था, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। इसके बाद हाल ही में वे रायसेन में भगवान शिव के मंदिर के कारण चर्चा में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, UPTV न्यूज, हरिद्वार।